हाँ जी, यहाँ पे मेरा तो बड़ा नुकसान हो गया। सिर्फ एक 200 मीटर कम से कम 200 मीटर दूर एक पेंडल मिला। मेरा कम से कम भी कोई 10 साल से जितना कबाड़ था वो सारा कमरों में था, वो चला गया सब, कोई पता नहीं है कहाँ पे पहुँच गया। और यहाँ पे कमरों का नाम निशान नहीं रहा, दरवाजे तक नहीं मिले। बारिश से बड़ा नुकसान हो गया भाई। हमारा बहुत पुराना मकान बना हुआ था इन भाई साहब का, यहाँ पे वो मकान बारिश से चला गया और ये देखो कितने बड़े बड़े पत्थर यहाँ सड़क रोड के पहुँच गए। और थोड़ा सा इस मकान को जाने की वजह जो पाइपें हैं मकान के ईंट से लगाई है, जिससे यहाँ पे ये पत्थर फंसे इन पाइपों में और पानी रुक गया और पानी की वजह से मकान चले गया। और हमारी सरकार से कि कोई भी ऐसी स्कीमें लगाते हैं पानी की, तो ऐसे लगाओ कि मकान से थोड़ा दूर वो पाइपें होनी चाहिए, जिससे किसी आम बंदे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हमारा सरकार से भी रिक्वेस्ट है कि जो आपकी पाइप लाइन है मेन, तो उसको थोड़ा मकान से दूर लगाएं। तो हमारे मकानों के साथ लगी हुई है, तो हमारे भाई साहब का पूरा मकान चले गया, जिससे इनका कहना है कि यहाँ पे 2 लाख का उनका स्पेयर पार्ट का सामान था वो सारा बह गया इस पानी में। अब चलो ये है कि जो भी हमारे यहाँ बंदे हैं वो सेफ है, पर रोड बंद हो चुका है पूरी तरह से। ये कहाँ पे हुआ आपका रोड बंद? ये हमारे धार कांसी बनेड़ के साथ लगता हुआ एरिया है, भूमकपुरी नाम है यहाँ का, जो इस टाइम पूरी तरह से और हमारे यहाँ से 1 किलोमीटर दूर भी बंद हो गया है। मतलब है नहीं है कि बंदा यहाँ से जा सके। तो हमारे सभी ड्राइवर भाइयों से है जो घर में है कि वो घर में ही अपने गाड़ियाँ साइड लगा के खड़े जाए, रोड की स्थिति है नहीं है कि वो गाड़ियाँ से जा सके।